हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड के सुपर 25 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। देखें, चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स मिलेंगे जिनसे हम अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स देखने में और प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा वर्ड सूटेबल है उस ऑप्शन के लिए या उस ब्लैंक के लिए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द लॉयर कोटेड मैनी डैश इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गूमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट्स और सेकंड है प्रेजिडेंट्स। अब हमें चूज करना है कि क्या हम प्रेसिडेंट्स लगाएं या प्रेजिडेंट्स लगाएं। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम सही नहीं कर सकते उनको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट्स है उसका मीनिंग होता है उदाहरण, और प्रेजिडेंट्स आपको पता है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की स्पेलिंग होती है प्रेजिडेंट। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द लॉयर कोटेड मैनी डैश इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गूमेंट, कि वकील ने अपने आर्गूमेंट के सपोर्ट में बहुत से उदाहरण पेश किए। तो प्रेसिडेंट्स का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण, तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट्स राइट आंसर है। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज डैश दिस मेडिसिन फॉर माई फादर, कि डॉक्टर ने मेरे फादर के लिए यह दवाई जो है निर्धारित की है। तो अब हमें दे रखा है ऑप्शंस में ए में प्रेस्क्राइब्ड और बी में प्रोस्क्राइब्ड। तो स्टूडेंट्स, हमेशा प्रेस्क्राइब्ड होता है, जैसे प्रेस्क्रिप्शन हम वर्ड सुनते हैं, प्रेस्क्राइब्ड सुनते हैं। तो जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन के बारे में बताता है कि ये दवाई ले लो, तो उसको कहते हैं कि डॉक्टर ने ये दवाई प्रेस्क्राइब्ड की है। तो हमारा ऑप्शन ए प्रेस्क्राइब्ड जो है वो करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, ट्रेसपासर्स विल बी डैश। जो ट्रेसपासर्स हैं उनको जो है क्या किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है परसिक्यूटेड और बी है प्रोसिक्यूटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ परसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूटेड। सी स्टूडेंट्स, प्रोसिक्यूटेड मीन्स अत्याचार किया और प्रोसिक्यूटेड मीन्स मुकदमा चलाया। तो ट्रेसपासर्स पर मुकदमा चलाया जाएगा, ये हिंदी बनेगी। तो मुकदमा चलाने को कहते हैं प्रोसिक्यूटेड, हैंस आवर ऑप्शन बी प्रोसिक्यूटेड इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन फोर, माई ब्रदर हैज़ नो डैश एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्री लाइफ। सी द ऑप्शंस ए प्रैक्टिकल एंड बी प्रैक्टिकेबल। मेरे भाई को फैक्ट्री लाइफ का कोई अनुभव नहीं है, और वो अनुभव किस प्रकार का होना चाहिए स्टूडेंट्स, व्यवहारिक। और तो प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक और प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है करने योग्य। तो मेरे भाई को फैक्ट्री लाइफ का व्यवहारिक एक्सपीरियंस नहीं है, व्यवहारिक अनुभव नहीं है। तो व्यवहारिक के लिए वर्ड बनेगा प्रैक्टिकल, हैंस आवर ऑप्शन ए प्रैक्टिकल इज राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, थ्योरी डैश प्रैक्टिस। आप ये बात मान के चलें कि सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़नी होती है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो थ्योरी होती है वो क्या आती है, वो प्रैक्टिस से पहले आएगी। यानी थ्योरी हमें पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही हम अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले आने को स्टूडेंट्स कहते हैं प्रेसीड्स, PRECEDES, और प्रोसीड्स का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। प्रेसीड्स जो है वो सही आंसर है। थ्योरी प्रेसीड्स प्रैक्टिस, ये आप सभी को पता है कि थ्योरी प्रैक्टिस से पहले आती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन सिक्स, आई डैश द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न। मुझे याद है जहाँ मेरी बहन का जन्म हुआ था। तो रिकलेक्ट होता है कुछ किसी चीज़ों का स्मरण करना, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे याद रखने की। तो याद रखने के लिए स्टूडेंट्स जो होगा वो रिमेंबर
होगा, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, और रिकलेक्ट भी स्मरण होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो प्रॉपर वर्ड आएगा वो आएगा रिमेंबर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है कि लगभग मीनिंग एक जैसे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर रिकलेक्ट नहीं रिमेंबर यूज होगा। आई रिमेंबर द हाउस वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न, बी ऑप्शन रिमेंबर इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द डैश ऑफ मैंगो ट्रीज आर वेरी डीप। ऑप्शंस देख लेते हैं, रूट्स ROTS, बी ROUTES और सी ROUTS। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सेंस निकलती है जो वो निकलती है जड़ों की, क्योंकि जो मैंगो ट्रीज हैं, आम के जो वृक्ष हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहरी हैं। तो जड़े जड़े के लिए जो स्पेलिंग होती है वो होती है ROTS, जो आप ऑप्शन ए में देखते हैं। तो हैंस आवर आंसर इज रूट्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और रूट्स जो दिया हुआ है बी ऑप्शन में, वो है मार्ग के लिए यूज होता है, रास्तों के लिए यूज होता है, तो वो रॉन्ग है। और वो जो ROUTS है वो भी हमारा रॉन्ग आंसर है। अब है 8th क्वेश्चन, मोहन इज डैश ऑफ हिज सक्सेस। मोहन अपने सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए क्या है? ऑप्शन ए है सेंग्विनरी, ऑप्शन बी है सेंग्विन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सेंग्विनरी एंड सेंग्विन। सेंग्विनरी मीन्स अभिशप्त, सेंग्विनरी मीन्स अभिशप्त, एंड सेंग्विन मीन्स आशावादी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोहन अपनी सफलता के प्रति आशावादी है, यानी उसे आशा है अपनी सफलता की। तो 8th का ऑप्शन बी सेंग्विन इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ए डैश मैन लाइक मिस्टर मल्होत्रा शुड नॉट हैव यूज्ड सच वर्ड्स। ऑप्शंस आर ए सेंसिबल, बी सेंसिटिव। दो ऑप्शन है हमारे सामने, सेंसिबल या सेंसिटिव, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसके लिए आप देखें पहले हिंदी इस सेंटेंस की। ए डैश मैन लाइक मिस्टर मल्होत्रा, कि मिस्टर मल्होत्रा जैसे व्यक्ति को ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि मिस्टर मल्होत्रा एक समझदार व्यक्ति हैं, तो मिस्टर मल्होत्रा जैसे समझदार व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर जो समझदार का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया सेंसिबल और सेंसिटिव होता है संवेदनशील, तो बात यहाँ पर समझदार की हो रही है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन ए सेंसिबल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वी सेड इन द डैश ऑफ ए ट्री। ऑप्शंस ए सेड, बी सेडो, सी रिफ्लेक्शन। हिंदी देखें सेंटेंस की, हम पेड़ की छाया में बैठे, तो छाया के लिए यहाँ पर वर्ड होगा शेड। और यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शंस हैं शेडो और रिफ्लेक्शन, वो परछाई के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका शेड, कि हम पेड़ की छाया में बैठे। 10th क्वेश्चन का ऑप्शन ए शेड जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, माई आइज आर डैश। अब आप देखें ऑप्शन ए में है सोर और ऑप्शन बी में भी सोर, तो थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में डिफरेंस है। बोलने में ऐसा लगता है जैसे कि मान लो दोनों ही एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हों, तो लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता हो तो हम जो है मार नहीं खाएंगे। तो आपको पता है कि मेरी आँखों में पीड़ा है, मेरी आँखों में दर्द है, यानी मेरी आँखें दुख रही हैं। तो जो दुखने को, पीड़ादायक को और दर्द के लिए जो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सोर, SORE, और SOAR जो है वो होता है बढ़ना। तो जब आँखें दुखना, आँखों में पीड़ा होना, उसके लिए जो वर्ड बनेगा वो बनेगा SORE। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन बी सोर राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आवर न्यू हाउस इज वेरी डैश। हमारा जो नया घर है वो काफ़ी डैश है। ऑप्शन ए है स्पेसियस, ऑप्शन बी स्पेसियस। जो करेक्ट स्पेलिंग है स्टूडेंट्स स्पेसियस की, वो है SPACIOUS, जिसका मीनिंग होता है लंबा चौड़ा और विशाल। तो मेरा जो नया मकान है, नया घर है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, विशाल है, यानी उसमें काफ़ी जगह है। तो ए ऑप्शन जो स्पेसियस, वो हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट सी 13th क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट डैश माई मदर। ऑप्शन ए सूट, ऑप्शन बी सूट, ऑप्शन सी सूट।
आप देखेंगे कि तीनों वर्ड्स की प्रोनंसिएशन लगभग सेम दिखाई देती है, स्पेलिंग्स में आपको डिफरेंस दिखाई देता है, तो बेटर इसके लिए यही है दैट वी शुड इंक्रीज आवर वोकेबलरी। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी तो हम आसानी से ढूंढ सकेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स ही हैं और ये हमें कन्फ्यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर हमारे को उस वर्ड का, उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता होगा तो हम आसानी से इनको कर पाएंगे। तो जो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो मेरी मदर के अनुकूल नहीं है, तो अब आप देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड अनुकूल बताता है। तो ए ऑप्शन में जो सूट है उसका मीनिंग होता है कमरों का सेट, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया ये। सूट जो है बी में उसका मतलब होता है कालिख या काजल, तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है। और थर्ड है सूट जिसका मीनिंग होता है अनुकूल, हम बार बार ये डेली यूज में भी ये वर्ड यूज करते हैं कि ये शर्ट मेरे को सूट करती है, ये पैंट मेरे को सूट करती है, तो इंग्लिश का वर्ड है ये सूट। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट माई मदर, कि दिल्ली का क्लाइमेट मेरी माँ को सूट नहीं करता, ऑप्शन सी सूट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्यूटीफुल लेडी ग्रेजुअली लोवर्ड हर डैश, ए वेल बी वेल सी वेल। प्रोनंसिएशन जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे तीनों की प्रोनंसिएशन लगभग सेम है लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। उसके लिए वही बात कि हमें उन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो देखें, ए ऑप्शन में जो वेल है उसका मतलब होता है आवरण या घूंघट, बी जो वेल है उसका मतलब होता है विदा करना, सी जो वेल है उसका मतलब होता है विलाप करना या रोना धोना। तो अगर हम सेंटेंस की हिंदी देखते हैं तो द ब्यूटीफुल लेडी ग्रेजुअली लोवर्ड हर डैश, कि उस सुंदर महिला ने धीरे धीरे अपना घूंघट जो है वो नीचे किया, तो उसके लिए जो वर्ड होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन ए वेल है, वी ई आई एल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, अनीता इज फेमस फॉर हर डैश मॉडेस्टी, जब भी मॉडेस्टी से पहले डैश हो तो अनीता जो है अपनी कौन सी मॉडेस्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर करेक्ट आपका जो वर्ड आएगा वो वुमनली आएगा न कि वुमेनिश, तो ए वुमेनिश रॉन्ग है और बी जो वुमनली जो है वो राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी वुमनली जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर तलवार पोजेसिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग डैश, तो मिस्टर तलवार की के पास जो क्या है स्ट्रॉन्ग फिजिक है, यानी उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट वो होता है फिजिक, जिसकी स्पेलिंग होती है पी एच वाई एस आई क्यू यू ई, जो आप देखते हैं ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजिक, और जो ए ऑप्शन फिजिक और बी ऑप्शन फिजिक्स जिसे हम भौतिक शास्त्र कहते हैं ये रॉन्ग है, सही ऑप्शन है सी फिजिक, मिस्टर तलवार के पास स्ट्रॉन्ग फिजिक है। क्वेश्चन 17, द कंडीशन ऑफ द बैगर वॉज डैश, कि जो भिखारी की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, ए ऑप्शन देख लेते हैं पिटिएबल दयनीय, बी पिटिएबल और सी पीटीएस। तो क्लियर आंसर हमें पहले ही पता लग गया कि पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, द कंडीशन ऑफ द बैगर वॉज पिटिएबल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट हैज इश्यूड डैश प्रोहिबिटिंग सती, सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें कि सती प्रथा पर रोक लगाई है, तो ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग जो है, जो करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढनी है इन दोनों ऑप्शंस में, ए में दिया हुआ है ऑर्डिनेंस और बी में दिया हुआ है ऑर्डिनेंस, तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डिनेंस नहीं होता, ये ऑर्डिनेंस होता है, बी ऑप्शन ऑर्डिनेंस जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइम मिनिस्टर पेड एन डैश विजिट टू केरला, ए ऑप्शन है ऑफिशियल बी है ऑफिशियस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक और ऑफिशियस का मतलब होता है परेशान करने वाला, तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ए ऑप्शन जो है ऑफिशियल वो इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री ने केरला में जो है एक आधिकारिक विजिट की, यानी वो आधिकारिक दौरे के ऊपर केरला आए, तो आधिकारिक का मतलब क्या होता है ऑफिशियल, ए ऑप्शन ऑफिशियल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दिस स्टोरी हैज ए डैश लेसन,
ए ऑप्शन है मोरेल और बी ऑप्शन है मॉरल। तो मोरेल का मतलब होता है मनोबल और मॉरल का मतलब होता है नैतिक। तो इस कहानी में नैतिक सबक है, यानी इस कहानी में नैतिक बात है या नैतिक पाठ है इस कहानी में। तो नैतिक सबक के लिए जो वर्ड यूज होगा नैतिक के लिए यहाँ पर, वो होगा मॉरल। और मॉरल का मतलब आपको मैंने बताया मनोबल या हौसला। तो इस कहानी का जो है नैतिक जो है पाठ है, नैतिक सबक है इस कहानी में, तो बी ऑप्शन मॉरल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज अ डैश इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है मेमोरेबल, बी ऑप्शन है मेमोरियल। तो 21st क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी अगर हम हिंदी करते हैं तो देखें कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो भारत के इतिहास में एक यादगार घटना है। तो मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार और मेमोरियल का मतलब होता है स्मारक। तो घटना कैसी है यादगार, तो क्या आएगा मेमोरेबल। ए ऑप्शन मेमोरेबल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, कि यह भारत की महत्वपूर्ण फसल है। तो ए में दिया हुआ है मेज, बी में दिया हुआ है मेज। मेज की हमें करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए। मेज का मतलब स्टूडेंट्स होता है मक्का, कि मक्का जो है भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। तो मेज की जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी में। मेज की स्पेलिंग होती है MAIZE, हैंस आवर ऑप्शन बी मेज इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, द सिक्स आर फेमस फॉर देयर डैश स्पिरिट। यहाँ पर जो सिक्स का मतलब होता है सिख लोगों से, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी जो है डैश भावना के लिए। अभी बताता हूँ मैं आपको, ए है मार्शल और बी है मार्शल। तो यहाँ पर मार्शल का मतलब होता है लड़ाकू और सामरिक, और मार्शल आपको पता ही होता होगा जो शक्तिशाली जो लोग होते हैं, जो जहाँ पर जो लोग ज़बरदस्ती घुसाते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको हम मार्शल कहते हैं। तो ए मार्शल यहाँ पर राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है लड़ाकू या सामरिक। तो सिख लोग जो हैं वो अपनी सामरिक भावना के लिए जो हैं प्रसिद्ध हैं। 24th क्वेश्चन, द बुक्स आर लाइंग ऑन द डैश पीस। किताबें जो हैं वो मेंटल पीस पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये पता होना चाहिए कि मेंटल पीस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो मेंटल पीस होता है वो होता है ए सेफ दैट इज एफिक्स्ड टू द वॉल अबव अ फायर प्लेस। आई अगेन रिपीट, अ सेफ दैट इज एफिक्स्ड टू द वॉल अबव अ फायर प्लेस, तो वो होता है मेंटल पीस। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेंटल। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस ऑप्शन में जो स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है। मेंटल की यहाँ पर स्पेलिंग होगी MANTEL, तो ये बन जाएगा मेंटल पीस, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, ए सेफ दैट इज एफिक्स्ड टू द वॉल अबव अ फायर प्लेस। सो आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन बी मेंटल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 25, सोहन लीव्स ए डैश लाइफ। सोहन यहाँ पर कैसा जीवन जीता है ये हमसे पूछा गया है। तो ए लग्जरियस, बी लग्जरियंट। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स शानो शौकत, और लग्जरियंट मीन्स सुख भोगी या आनंदपूर्ण। लग्जरियंट का मतलब होगा सुख भोगी या आनंदपूर्ण। तो सोहन जो है वो एक शानो शौकत वाला जीवन जीता है, यानी सोहन की जो लाइफ है वो लग्जरियस है। तो लग्जरियस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन लग्जरियस इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स, हमने जो है आज के ये 25 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे किए, पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो से वोकेबलरी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। अगर आप जो है हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम आपके लिए पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड के और वीडियो लेकर आएँ, जिससे आपकी जो वोकेबलरी जो है वो एनहेंस हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।